सिंह साहब, सब तो पहला सवाल आया है कि सुखपाल सिंह खैरा जी ने कहा कि धरने लाने का कोई फायदा नहीं है, समा ना करा दिया जाए। वो गाने च लिखा बिना मंगे वो सलाह नहीं देनी चाहिए, कदर घट जाती है। सो कोई गल वो उन्हां दी गल है, तुसी अगली गल करो। मेरी बेनती है कोई होर सवाल है तो मैं जवाब देने तैयार है। जाखड़ का जिस तरीके का बयान है, कहते जी चन्नी कोई मुख्यमंत्री नहीं मनिया, वड़िंग कोई प्रधान नहीं मानता। क्योंकि मैं कहड़ा कोई परिवारवाद पॉलिटिक्स चो है, मैं कहड़ा कोई हुक्मनामे छड़दा है। मैं तो आम वर्कर सीगा, दरिया विछा के इत्थे आया, वो एडे एडे सरदार लोगों को हजम नहीं हो रहा। तीन वारी सुनील जाखड़ पंजाब दा एडा वड्डा लीडर, केवल तीन वारी जिते MLA बने, बलराम जाखड़ जी का पुत्र ते राजा वड़िंग भी तीन वारी MLA बने। सो नैचुरली ये गल वड्डे वड्डे लीडर नू हजम किवें आवे कि एक दरिया विछाउण वाला मुंडा ब्लाक प्रधान तो उठा जिहड़ा बाप सरपंच नहीं सीगा, वो तीन वारी पंजाब दा MLA बन गया ते पंजाब कांग्रेस पार्टी का प्रधान बन गया। मैं कांग्रेस करके, कांग्रेस पार्टी करके अज प्रधान है, जो भी कुछ है उन्हां कोलों प्रधान जी जदों खुशी वो कांग्रेस लोगों को छड़ के चले गए। हर बंदे दी आपदी आपदी फितरत है भाई, कोई नहीं मानता केड़ा कोई मनाउणा आउंदा किसे। मैं किसी को ये तो नहीं कहा कि मैनू मनो ही भाई, मैं कदों कहा मेरा तो हजे तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि असी राजे वड़िंग नूं प्रधान नहीं मानते, वह किवें मानते होंगे मैनू वह दस दें भी वह किदां मानते होंगे, प्रधान किदां मन्निया जांदा है वह ये दस दें भी फलां बंदा सारी कांग्रेस एक मुठ हो के जिथे सद्दा देईदा उत्थे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती एक मुठ हो के। अगला सवाल सो भाई नज़दीकियां नू, रिश्तेदारां नू, भैणां नू, भरावां नू जदों एक बंदा नहीं, दूजे ते वारी, तीजे ते वारी, चौथे ते वारी, पंजवें ते वारी, इत्थे आ के जिहड़े लोग साडे खिलाफ बोलदे ने कौन लैके आउंदा है? विजिलेंस। हुण नहीं कोई काम चल रहा अज पुलिस आई है धरना चुकाउण वास्ते, धरना असी दिता ही नहीं, असी जिला परिषद के दफ्तर आराम नाल बैठे हैं। धरना पहले दिन कांग्रेस पार्टी के प्रधान ने विजिलेंस के दफ्तर के बाहरों चुकाया, तुसीं आप वेखिया। जे धरना लाउणा हुंदा तां फिर असी बाहर चलाउंदे, असीं आराम नाल बैठे हैं। की आपदे साथी मगर, आपदे दोस्त मगर, आपदे मित्र मगर, आपदे पार्टी के कुलीग दे वास्ते उरे नाल जाना, वकील करना, उरे असे खड़ा होना अगर गुनाह है तो फिर इसनू गुनाह रख समझ लो। असी कोई मुर्दाबाद, कोई जिंदाबाद, कोई घराओ, कोई धरना जे कर रहे हो तो तुसी सानू दस्सो। 144 दी कहिंदे उल्लंघना जरूर कर रहे हो, धारा 144 जदों धरने की गल हुंदी है फिर धारा 144 की उल्लंघना है। फिर अज पंजाब दे अंदर धरने किन्ने लगे है दस्सो, फिर तो उन्हां सारयां ते धारा 144 ला दिओ। अज सारे पंजाब दे विच धरने लगे ने, लाइनमैनां ने धरने लाए ने, बेरोज़गारां ने धरने लाए ने, होर बथेरे लोगों ने जिन्हां ने धरने लाए ने, उन्हां ते कार्रवाई कर दिओ, साढ़े ते भी कर दिओ। ADCP कह रहे ने कि प्यार पहला प्यार नाल मनावांगे, नहीं तां फिर सख्ती करांगे। उस सख्ती नूं की है जी, प्यार नाल की है, साढ़े ते परचा दे देंगे, असीं तां इन्हां नाल लड़ नहीं सकदे। पंजाब पुलिस नाल जे लड़ांगे ये कहणगे साढ़े काम च विघन पाउणे। मेरे कहन दा मतलब धारा 144 जे साढ़े ते लागू हुंदी है, पंजाब दे दफ्तर च भी धारा 144 है कि सड़क ते 144 है? मैं ये पूछना चाहना है। जिला परिषद के दफ्तर च साडा चेयरमैन है, क्योंकि इन्हें परमिशन देनी होंगी है, जिला परिषद का जिहड़ा चेयरमैन है और असी नॉलेज लिया, उन्होंने आख्या भी आओ आप इत्थे गलबात भी करांगे, सारी मीटिंग भी करांगे। सो जिला परिषद के दफ्तर के निरंतर ये मीटिंग वगैरह जां गलबात दा सिलसिला वो जिहड़ा जारी है। 144 सड़क दे बाहर हो सकती है, असीं उत्थे है ही नहीं। कोई नवी रूपरेखा कारी हुंदी है, कोई नवी रूपरेखा नहीं, असीं आपदे साथी दे वास्ते। सो आपदे सज्जन वास्ते, पार्टी कुलीग वास्ते खड़े, उन्ना चिकर किसी नूं दोषी ना समझा जावे जिन्ना चिकर उहनूं कानून दोषी ठहरा नहीं दिंदा। ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
जिस तरीके नाल ट्वीट दे सो मैं उदे दा देख रहा ब्रदर थोड़े कोले कोई और सवाल नहीं हुंदा हमेशा ऐसा सवाल करके लेउने भी मैं उल्टी खबर दिखावा मेरी बेनती है मैं थोनू नवेड़ती हुण इस गल ते ब्रदर आर्गू मैं थोड़े नाल कर नहीं सकदा तुसी पत्रकार महान आदमी है मैं बोलूंगा तो फिर मेरे नाल तुसी मेरे नाल छोटे वीर मुद्दे ते गल मैं पहला मुद्दे च जिहड़ी सारे ने पुछिया वह मैं थोनू दसी ओरे बात कि बिना मंगे वो सलाह नहीं देनी चाहिए कदर घट जाती ने वह नबेड़ती गल एक बारी हूँ वारी वारी दूजी दूजी हाँ जी हाँ जी मैं पहला क्या है कि कदे भी जिंदगी दे विच किसे व्यक्ति नू कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो पार्टी प्रति या पार्टी के कम प्रति वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर दस सकते हैं कोई भी व्यक्ति उन्होंने मेरी गुजारिश है किसी ने कोई सलाह देनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर वह दसन जितों तक लोग मुद्दों की गल है राजा वड़िंग ने हर वो लोग मुद्दा चक्या चाहे वह वॉटर लॉगिंग का मुद्दा सीगा पानी आया सब तो पहला पिंड पानी गया लोगों सरकार को क्या मुआवजा दो किसान खुदकुशियां कर रहे हैं बड़ा बरसों पुराना मुद्दा है असं किसान की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं किसान के पिछे सारा परिवार लगे उ पहला बॉडर से भी गए हैं तो गांह भी असी किसान की लड़ाई है जी लड़ती रहेंगे बेअदबी के मुद्दे पर कई लोगों ने अस्तीफे दिते सी फिर वो लोग वापस आ गए फिर चले गए मुद्दे उठाए गए अज 9 साल पुराना ये लड़ाई है हमेशा लड़ते आ रहे हैं जो पंजाब की विधानसभा के उदों भी ये गल कही सी अज भी ये गल कहने कि यह मुद्दों का हल होना चाहिए लंपी स्किन जी बीमारी चली है बहुत सारे किसानों के पशु मर गए हैं सरकार तो वख वख समय पर डिमांड कर चुके हैं कि भाई इन्हों मुआवजा दो घट्टो घट लख लख डेढ़ डेढ़ लख रुपए के पशु है कोई इन्हों पार सत्तर हज़ार रुपया मुआवजा देना चाहिए सो हमेशा हर मुद्दे की लड़ाई लड़ना राजे वड़िंग का और कांग्रेस पार्टी का ही कम है सो अज भी असी पार्टी कुलीग पार्टी साथी दे नाल जिहड़ा विंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है बदलाखोरी की भावना नाल हो रही है कोई चीज़ मिल नहीं रही मिला नहीं रही हुण फिर लोकलां नूं इधर उधर साथियों नूं होर सज्जन लगे अज चार दिनों का रिमांड ऑलरेडी तो खत्म वापस होण लग्या सो कोई ना कोई ऐसी गल्लां करनी है सो मेरी बेनती है हर वेले सानूं साडे गुरु ने सिखाया कि औखे समय आपके साथी सज्जन दोस्त मित्र पंजाब के लोगों ना खड़े होना साड़ा फर्ज है तो वो खड़े